जी मेरा सवाल ये था कि अगर किसी ने चोरी की हो तो वो तौबा कैसे करे, और जिसकी चोरी की हो उसे कैसे, मतलब उसका पैसा कैसे लौटाए? क्या उसे चोरी से पैसा लौटा सकता है? क्योंकि वो सामने वाला करीबी है, थोड़ा बुरा लगता है उसे बताने में इसलिए। जी, चोरी से लौटा सकता है, मतलब हाँ जहां से लिया वहां रख जी देते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। जी सर। नहीं तो किसी बिस्... किसी गिफ्ट के तौर पे। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि अगर किसी ने किसी का कुछ चोरी कर लिया है तो वो तौबा कैसे करेगा। चोरी में तौबा करने के लिए कई शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि उसके तौबा के अंदर इख्लास होनी चाहिए। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से उसकी रजा हासिल करने के लिए वो तौबा करना चाह रहा है, किसी और दुनियावी मकसद से नहीं। दूसरी बात यह है कि जो गुनाह उसने किया है उस गुनाह पर उसको पशेमानी होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि अब वो जो गुनाह अगर वो अभी भी कर रहा है तो उससे फौरन बाज आ जाए। चौथी बात यह है कि आइंदा मुस्तकबिल में वो गुनाह ना करने का मुकम्मल तौर से आजम करे वो कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। पांचवी बात यह है कि चूंकि उसका ताल्लुक, चोरी का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, लिहाजा जिसका हक है उसका हक उसको लौटाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ तौबा कर लिया तो ये काफी है, बल्कि उसका हक उसको लौटाना ये जरूरी है। अब लौटाने की क्या सूरत होगी? लौटाने की सूरत ये होगी कि उसको या तो जा करके वो डायरेक्ट दे दे। अगर डायरेक्ट उसको देने में और बताने में कोई हर्ज नहीं है तो डायरेक्ट दे दे। लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं डायरेक्ट दूंगा तो कोई बड़ी परेशानी हो जाएगी, मान लीजिए दोनों के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, जबकि ताल्लुकात मुसलमानों का आपस में रहना ये अच्छी बात है, ये मतलूब है। अगर उसको लगता है कि दोनों के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में वो किसी भी तरीके से उसको, जैसे किसी के हाथ से उसको भिजवा दे कि मेरा नाम मत बताइएगा कि फला ने चोरी किया था, या उस जगह पर ले जा करके रख दे और वो पा जाए, अलमुहिम उसका माल उसको मिल गया। लेकिन अगर डायरेक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो डायरेक्ट देगा। ऐसा इसलिए कि उसका गुनाह सिर्फ चोरी करना नहीं है, उसने चोरी किया है माल तो उस सामने वाले को मिल जाएगा, लेकिन वो इतने दिनों तक उसका माल आपने जो गायब रखा है ये भी तो गुनाह है, ये भी उसका हक था, तो इसके लिए उससे माफी भी आपको मांगनी है। तो अगर डायरेक्ट उसको लौटाना मुमकिन हो बगैर किसी मफसदत के तो डायरेक्ट ही लौटाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे कोई बड़ी खराबी लाजिम आएगी तो दूसरे तरीकों से किसी के हाथ से या उस जगह पर रख करके भी आप उसको लौटा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो है उसको बुरा नहीं लगेगा बल्कि उसको और अच्छा लगेगा कि मैंने ईमानदारी दिखाई, तो आप उससे जाकर के माफी भी मांगिए कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये आपका माल है, मुझे माफ कर दीजिए और आप अपना माल लीजिए। तो इस तरह से चोरी का माल वो लौटाएगा, बहरहाल उसको हर सूरत में लौटाना है। जो भाई ने कहा कि उसको गिफ्ट कर दे, भाई देखिए गिफ्ट तो अपना माल किया जाता है, गिफ्ट दूसरे का माल थोड़ी किया जाता है। तो अगर जी आप उसे गिफ्ट करोगे, गिफ्ट करना एक तरह से एहसान होता है, तो जाहिर है वो आपके एहसान तले आएगा, वो समझेगा कि ये तो मुझे गिफ्ट कर रहा है, मेरे ऊपर इसने एहसान किया है। तो ये शऊर और ये एहसास आप उसको मत दिलाइए कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि आप जो है जब ऐसा करेंगे तो आपका एहसानमंद होगा वो, तो उसको, जबकि आपने कोई एहसान नहीं किया है उसके ऊपर, लिहाजा आप किसी और तरीके से उसको लौटा दीजिए और गिफ्ट वाला रास्ता इख्तियार मत कीजिए, क्योंकि हमारी शरीयत में जिसके ऊपर एहसान किया जाता है, हमारी शरीयत ने उससे कहा है कि जब कोई आपके ऊपर एहसान करे तो आप उसको उसका बदला दो, अगर बदला दे सकते हो तो बदला दो, बदला नहीं दे सकते तो कम से कम उसके लिए दुआ करो। तो जब आप उसे गिफ्ट कह करके दोगे तो आपको कोई बदला देने की भी कोशिश कर सकता है वो, या कम से कम ये होगा कि आपका जिंदगी भर वो एहसानमंद रहेगा, जबकि आपने उसके साथ कोई एहसान नहीं किया है। तो आप उसको गिफ्ट मत दीजिए, आप उसको डायरेक्ट वापस कर दीजिए, ज्यादा बेहतर तो ये है।
और साथ में उससे माजरत भी कर लीजिए, लेकिन अगर इसमें कोई बड़ी खराबी लाजिम आ रही हो, जैसा कि उलमा ने जिक्र भी किया है कि अगर हुकूकुल इबाद के डायरेक्ट अदा करने में कोई परेशानी हो रही हो, कोई मफसदत लाजिम आ रही हो, तो कोई उसका दूसरा ऐसा रास्ता आप इख्तियार कर लो कि उसका हक उसको मिल जाए और वो जो खराबी लाजिम आने वाली है वो खराबी भी लाजिम ना आए। जैसे गीबत के सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आपने किसी की गीबत की है या गाली दिया है, अब अगर सामने से जा करके आप उसे बताओगे कि भाई मैंने आपकी गीबत किया है, मैंने चुगली किया है या मैंने आपको गाली दिया है, मुझे माफ कर दीजिए, असल तो यही है कि आप जाकर के कहो, लेकिन जब आप ऐसा कहोगे तो इसमें दो खराबियां हैं। एक खराबी तो यह है कि अभी आपने पीठ के पीछे उसको गाली दिया था, उसको खबर नहीं थी, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, जब आप जाकर के बताओगे तो गोया कि आप उसको तकलीफ दे रहे हो, तो लिहाजा आप उसको मत बताओ अगर ऐसी ऐसा मामला है तो। या और दूसरी खराबी यह है कि आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, या हो सकता है कोई बहुत जो है जबरदस्त किस्म का आदमी हो, आपको कोई नुकसान पहुंचाने के दर पे हो जाए, तो इस तरह की कोई खराबी हो तो आप जो है उसके लिए दुआ करो, उसको बताओ मत, उसके लिए दुआ करो, और जहां पर आप उसकी बुराई करते थे अब जो है उसकी अच्छाइयां आप बयान करो, जाहिर है उसके अंदर कुछ अच्छाइयां भी होंगी, वो अच्छाइयां आप उसकी बयान करो। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।